हिंदुस्तान के मेवाड़ की मातृभूमि के रक्षा के लिए अनेक वीरों ने बलिदान दिया, जिसमें से एक थे कल्ला राठौड़ और जयमल राठौड़, जिनके बहादुरी का किस्सा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना मेरे दोस्तों, क्योंकि इन वीरों का नाम इतिहास के पन्नों में कभी दिखाई नहीं देता है। कल्ला राठौड़ और जयमल राठौड़, यह दोनों काका और भतीजे के नाम से भी प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप ने जयमल को अपना सेनापति नियुक्त किया था। अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ को चारों ओर से घेर लिया था और अकबर की मुगल सेना से लड़ने के लिए मेवाड़ी वीर किले से बाहर निकलकर हमला करते और शत्रु को हानि पहुंचाकर फिर किले के अंदर जाते, क्योंकि किले को चारों ओर से मुगल सेना ने घेर लिया था। यह कई दिनों तक संघर्ष चलता रहा। क्षत्रिय राजपूतों की संख्या बहुत कम होने लगी थी। तब सेनापति जयमल ने यह निश्चय किया कि हम अंतिम सांस तक युद्ध लड़ेंगे, और फिर एक बार राजपूतों के और मुगलों के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें सेनापति जयमल राठौड़ के पांव में गोली लगने की वजह से वह बहुत घायल हो गए। युद्ध करने की उनकी तीव्र इच्छा थी, लेकिन उनसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। कल्ला जी ने यह देखकर जयमल के दोनों हाथों में दो तलवारें दे दी और उन्होंने उसे अपने कंधों के ऊपर बैठा लिया। इसके बाद चारों हाथों की तलवारें बिजली से भी तेज चलने लगी और मुगल सेना की लाशें किले के चारों ओर बिखरने लगी। बहुत समय तक युद्ध लड़ने की वजह से कल्ला जी और जयमल दोनों पूरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी वह अपने मिट्टी के लिए पूरे साहस से लड़ रहे थे। लेकिन तभी अचानक मुगलों के सेनापति ने पीछे से हमला करके उन दोनों का सिर काट दिया। इतिहासकारों के मुताबिक उनका सिर कटने के बाद भी उनका धड़ मुगलों से लड़ता रहा। इसके बाद कल्ला जी और जयमल दो सिर और चार हाथ वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध होने लगे। यह सब गतिविधि देखकर अकबर हैरान हो गया था। अकबर ने सोचा कि भगवान चतुर्भुज इनका साथ दे रहे हैं। अंत में अकबर ने उनकी वीरता से प्रभावित होकर कल्ला जी और जयमल की मूर्तियां आगरा के किले पर लगवाई और कल्लाजी रणबंका राठौड़ के नाम से प्रसिद्ध होने लगे। चित्तौड़गढ़ के भैरव पाल पर इनकी छवियां भी बनी हुई है। ऐसे वीर योद्धा कल्लाजी और जयमल राठौड़ के अद्भुत साहस और पराक्रम के बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे वीडियोस देखना आपको पसंद है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।